Ben çeker misin? Ben bu damarcıyım. Hayır. Es paprika, or es şerbanika asalak da tomu. Ben özgü. Gel. Abay, ne yapalım dikalım? आपका फैसला पक्का है ना भाईजान? मेरे पास सिर्फ दो फार्म रह गए हैं। अरे हे डैडी, अगर आपने मेरी सोया से अभी इसी वक्त शादी न कराई तो मैं अपने हाथों से खुद अपनी ही गंदी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे अपलोड करवा दूंगा। तू गंदी वीडियो बना रही है, मेरी इज्जत तबाह कर रहा है। क्या मेरी इज्जत करेगा? पता नहीं। तेरी मेहरबानी, सच सच बता, इस गंदी औलाद का ताल्लुक मेरी जात से है ना? क्या जरूरत थी इतनी जल्दी जायदाद का जिक्र करने की? बच्ची ने शादी करके घर ही तो आना था, और दो चार महीने के बाद जायदाद का जिक्र कर लेते। बिल्कुल तुमने ठीक कहा। आपको जोया बिनते गुल नमाज अपने निकाह में कबूल है? बोलो बेटा। हाँ बोलो। एक मिनट, ये शादी नहीं हो सकती। पहले इनके बीवी बच्चों से पूछ रहे इन्हें इसका दूसरा निकाह कबूल है कि नहीं। हाँ, धोखेबाज घटिया इंसान। हाँ, इतना गिरा हुआ इंसान मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी नहीं सोच सकता था। टांगे तोड़ दो इसकी। जिस तरह कीचड़ में पत्थर फेंकने से चींटियां अपने ऊपर फड़ती हैं। वजीर, सर इसको मार के हम अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे? और चलो यहाँ से निकलो, दबाओ जो यहाँ से। चलो भागो, रीछ का बच्चा ना हो तो। और रुको, ये शेरवानी उतार के जाओ, तुम्हारा काम नहीं। और ये पजामा भी हमारे सर, और पजामा भी उतार के चलो अंदर उतार। सर, अब इस सिचुएशन में जोया बिटिया से कौन शादी करेगा? मैं करूंगा। अब तुम्हें खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे पा लिया जोया, तुमने मुझे पा लिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं गुल नवाज कि तूने अपने दिल में मेरे लिए जरा भी मैल नहीं रखी। जब जाने साल में नमक मर्च ज्यादा ये पता नहीं क्या हो गया, ब्लड प्रेशर शूट कर गया, ऑल हो गया। ओए मौलवी, जोया और हैप्पी का निकाह पड़ा हो, फिर सोच लो, पीछे एक ही फॉर्म बाकी है। खबरदार जो जोया का नाम भी अपनी जबान से निकाला तो। इतना जलील करने के बाद भी तुम में गैरत नहीं आया? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगा। ए, मैं दूसरी दफा तेरी तहरीज पर इनकार सुनने के लिए नहीं आया। तुम्हारी मासूमियत समझ कर तुम्हें दे